वेलकम टू माय चैनल सोमेटेरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, कार्ड से देखती हूँ मैं उनकी करंट फीलिंग इस टाइम पर क्या आ रही है आपके पर्सन की, आपके लिए इस चीज़ को कार्ड से देखेंगे। तो पहले मैं बोलूँ कि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसी टाइम से उसी डे से स्टार्ट हो जाएगी जब भी मिलेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग ऐसी होती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस टाइम पर आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है एंड क्या हालात हैं उनके। चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं डियर गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आपके पर्सन जो है वो कोई फैसला उन्होंने लिया है, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लिए लिया है। जो डिसीजन का या जिस फैसले का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके लिए कुछ फैसला उन्होंने लिया है। तो क्या है, सारी इस रीडिंग को अच्छे से देखेंगे। पहले मैं कार्ड्स ले लूं और आपको राशियां भी बता देती हूं कि आपकी जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपके पर्सन की, इसके अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन और टॉरस दिख रहे हैं, आपके पर्सन कैप्रिकॉन और टॉरस हो सकते हैं। लिब्रा मुझे दिखाई दिए हैं, लिब्रा है, स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं मुझे, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हो सकती है, एक्वेरियस एंड वर्गो, एक्वेरियस राशि या फिर वर्गो राशि की एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन इस राशि के हो सकते हैं जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। एंड सजिटेरियस, कैंसर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन की राशि लिब्रा और वृश्चिक भी हो सकती है। तो एक्वेरियस वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस भी दिख रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं, सजिटेरियस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे, एरीज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं, यहाँ पर मोस्टली राशियाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। बाकी का आप कार्ड से जो है वो एनर्जीज को ले सकते हैं कि कार्ड से एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ फैसला लेते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है इस टाइम पर कार्ड्स की वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर स्टक भी हो रखी है। मतलब एनर्जी जो है वो बहुत हद तक मैं देख रही हूँ रुकी भी एनर्जीज है, मतलब जैसे कि रुक जाती है एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जो रिलेशन है उनके साथ पुराना हो सकता है, मतलब काफ़ी पुराना रिलेशन हो आपका इनके साथ, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी यहाँ पर काफ़ी लोगों का हो सकता है, मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही है कार्ड से जो मुझे शो हो रही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की हो सकती है, मतलब काफ़ी पुराना रिलेशन भी आपका आपके पर्सन के साथ हो सकता है, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है। सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था लेकिन वो कमिटमेंट से जो है वो वापस से, मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम किसी को कमिटमेंट देते हैं फिर उसके बाद हम मान लीजिए कोई किसी भी पर्सन की वजह से या फिर किसी भी चीटिंग की वजह से उस कमिटमेंट को फिर जाना, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करना। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। एंड उनकी जो फीलिंग्स हैं डियर गाइज आपके लिए, आपके पर्सन की, वो मुझे यहाँ पर ट्रू तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो मैं देख पा रही हूँ उससे फीलिंग्स तो उनकी बहुत ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रही है आपके लिए। मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं या बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिन गलतफहमियों के चलते या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं, मतलब आप लोग ना डिस्टेंस में आ गए। यहाँ पर जो भी जिनकी भी एनर्जीज आप देख रहे हैं वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनका जो अंदर से जो इंटेंशन है आपके लिए वो इस टाइम पर मुझे ट्रू दिख रही है, मुझे लविंग दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा आपके बारे में। यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जीज है तो पास्ट की भी एनर्जीज आ रही है, इससे बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स होती है किसी के लिए, तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू भी है उनकी आपके लिए, मतलब आपके जो पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ मैं ट्रू भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपसे
प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं पाए, या फिर आपका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था, बहुत ट्रू फीलिंग्स में था और एक दूसरे की केयरिंग एनर्जीज भी आ रही है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक लविंग एंड केयरिंग फीलिंग। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई आप लोगों के बीच में जो अलग अलग आपको कर दिया, और आज भी मैं देख रही हूँ आज आप अलग जरूर हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फीलिंग्स है कि नहीं है पर्सन के दिल में, तो मैं बोलूंगी कि यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर आज की डेट में भी, आज के टाइम में भी उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारा प्यार है, आपकी चिंता है उनको, आप मतलब उनकी जो अंदर से एक इंट्यूशन होती है वो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा केयर है आपकी। आज आप भले उनसे बात नहीं हो रही है लेकिन अंदर से उनको लगता है कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, बराबर से चिंता करते रहते हैं। आपकी एनर्जी जो आ रही है वो मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो आज अलग अलग हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन जो है वो आपसे भले ही आज आपकी बात नहीं हो रही है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं जिससे आपकी बात नहीं हो रही है उनसे, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन भी आपको लव करते हैं, और कहीं ना कहीं बात ना होने से भले ही उन्होंने, हो सकता है कि आपसे लास्ट टाइम गुस्से में बात की हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि उन्होंने लास्ट टाइम आपसे गुस्से में बात की थी, या फिर आपको ब्लॉक ही कर दिया था, या फिर उन्होंने आपसे आपको अवॉइड किया, या फिर जो भी नाराज़गी अपनी जाहिर की, लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ, आज की जो फीलिंग्स आ रही है उनकी, वो लविंग फीलिंग्स आ रही है। आपके बिना आपके पर्सन जो हैं वो अकेले से पड़ गए हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही है मिस कर रहे हैं आपको, अकेलापन आपकी रह रहे कर उनको याद आ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया, बहुत सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे एनर्जीज में हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज मेरे पास है इसलिए मैं बताऊँगी कि जैसे कि बिल्कुल भरोसा ही नहीं रह गया है, बिल्कुल फेथ ही नहीं है आपको आपके पर्सन के ऊपर कि वो कभी वापस आएंगे या फिर कभी आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके लिए ही ये कार्ड आया है कि एनर्जीज जो आ रही है यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज है। मतलब अगर आपका पर्सन जो है वो आपके साथ, उसका झगड़ा हो गया या फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर थर्ड पर्सन आ गया आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आज आप नो कॉन्टेक्ट फेस में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ आप लोगों के बीच में पड़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी, लेकिन यहाँ पर दिल उनका जो है वो अभी भी आपके लिए है, फीलिंग्स जो है मैं देख रही हूँ अभी भी आपके लिए है, प्यार जो है मैं देख रही हूँ अभी भी आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में है। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, कुछ डिसीजन मुझे आपके पर्सन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो आपके साथ अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, भले ही सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हों, क्योंकि पास्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन पास्ट नहीं भूल पा रहे हैं, वो पास्ट जो आपका और उनको एक कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव एंड लविंग फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कि मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव होना, गुस्सा हो जाना, उसके बाद भी हमें उसी की केयर होना, हम उसी के बारे में सोच रहे, लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, पर हम फिर भी उसी के बारे में सोच रहे, बात नहीं हो रही है तो हम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे, क्यों नहीं बात हो रही, क्या कब होगी। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की ये दिखाई दे रही है कि बात ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद भी उनकी जो थिंकिंग है वो आपके लिए है, ओवर थिंकिंग आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, पास्ट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोग अलग अलग हैं, एक दूसरे से बात नहीं की है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिसकी वजह से आप और आज वो अलग अलग हो चुके हो, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पर्सन ने कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिया होगा, या फिर थर्ड पर्सन के कहने की वजह से वो आपसे दूर हो गए होंगे, या फिर कोई ऐसा स्टेप जो उन्होंने थर्ड पर्सन के लिए ले लिया आपके लिए नहीं लिया, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर मतलब मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि मतलब उन्होंने आपके लिए स्टेप नहीं लिया होगा पास्ट में, ऐसी भी एनर्जीज है कि मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टेप हो, चाहे वो मैरिज का हो या फिर आफ्टर मैरिज हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप के लिए आप हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना, और कोई और स्टेप आपके पर्सन हो और लव रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड का हो या फिर आप
हो सकता है आप अलग अलग जगह पर रिलेशनशिप हो आपका, या फिर आप किसी और एनर्जीज के लिए देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने कोई रॉन्ग स्टेप, जैसे कि मैं देख रही हूँ कोई रॉन्ग स्टेप भी ले लिया था उन्होंने। हो सकता है कि आपको इग्नोर करने लगे हों, आपसे मतलब छोड़ दिया हो अचानक से, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि कुछ पास्ट की भी एनर्जीज आ रही है और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही है जैसे कि आपके पर्सन की वजह से आपको मतलब उनको ऐसी फीलिंग्स है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, या उन्होंने आपको कहीं दुख पहुंचाया, या कुछ ऐसा रूड हो गए, जो भी एनर्जीज आ रही है। तो आज यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि मतलब इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है ना वो सोचते रहते हैं कि मतलब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक अलग सी एनर्जीज आ रही है कि वो कोई डिसीजन ऐसा जो है वो फैसला लेना चाहते हैं। अच्छा, जो डिसीजन वो लेंगे, वो स्टेप जो भी लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि डिसीजन जो भी वो लेना चाहते हैं वो आपके लिए लेना चाहते हैं, और वो डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें उनका और आपका साथ हो। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन जब आपके साथ थे तब उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि लग रहा है कि साथ है, और ब्यूटीफुल साथ, मतलब एक अच्छी एनर्जीज, आपका अच्छा रिलेशन एक दूसरे का साथ, और कम्प्लीटली जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका भी जो एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो आपकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही मिल रही है कि पहले आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे गाइस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से आप बहुत हैप्पी रहते थे अपने पर्सन के साथ, एंड पूरा फेथ भी था, भरोसा होता है ना, भरोसा भी था। लेकिन यहाँ पर अभी जब से आपके पर्सन आपसे रूड हुए, या फिर उन्होंने आपको इग्नोर किया, या फिर वो आपसे अलग हुए ना, तब से आपकी भी एनर्जीज चेंज हो गई है और उनकी भी एनर्जीज चेंज हो गई है। वो आपका इंतज़ार देख रहे हैं इस टाइम पर, वो आपका इंतज़ार देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप दिल से जो है वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रही है। आपकी वजह से रात रात भर वो जागते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको लेकर करते रहते हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है आपके बारे में हर समय। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ में उनको आप नज़र आते हो, ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज़ में आप नज़र आते हो, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपकी केयर भी कर रहे हैं, आपको आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया उन्होंने, तो ये भी चीज़ों की ध्यान में उनको आ रहा है कि मुझे ऐसे नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जीज में होना चाहिए था। तो मतलब उनको प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, आपके पर्सन को आपसे, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी मामले में आपको उनसे दूर कर रहा है। तो ये एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन को नहीं चाहिए थर्ड पर्सन की। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है एनर्जीज के हिसाब से कि जब से वो आप दूर गए हो, जब से वो अकेलापन उन्होंने महसूस किया, जब से आपके पर्सन अकेले हुए ना, तब से उनको ऐसी फीलिंग्स में आ रही है कि वो एक डिसीजन उन्होंने लिया है, और वो डिसीजन आपके लिए लिया है उन्होंने, चाहे वो मैरिज का हो, रिलेशनशिप का हो, और थर्ड पार्टी के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा अगेंस्ट लिया है, एंड कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो तोड़ देंगे। अगर देखिए आज उनका थर्ड पर्सन से रिश्ता बन गया है, आपके पर्सन का मान लीजिए बन गया है आज की डेट में, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, चाहे कंडीशन कोई भी क्यों ना हो, फैमिली हो इसके पीछे, थर्ड पार्टी हो इसके पीछे, आप लोगों का झगड़ा हो इसके पीछे, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे जो आज एनर्जी दिख रही है थर्ड पर्सन के पास जाने के बाद भी, आज आपका पर्सन हैप्पी नहीं है, आज आपका पर्सन खुश नहीं है, उसकी जो अंदर से फीलिंग्स आ रही है अकेलेपन वाली आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, एंड कहीं ना कहीं उसकी जो इनर एनर्जीज होती हैं वो आपको ढूंढ रही है, हर जगह पर वो आपको ढूंढ रही है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि वो लौटना चाहते हैं आपके पास, लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लौटना चाहते हैं आपके रिलेशन में। तो यहाँ पर मैं दो कार्ड्स ले लेती हूँ बिल्कुल करंट एनर्जीज के, इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, और आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। देखिए हो सकता है कि इस टाइम पर आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ हो, थर्ड पार्टी के
साथ हो, एक घर में उनके साथ रह रहे हो, बाई चांस की बात है एक घर में आपके साथ रह रहे हो, रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ हो, या थर्ड पार्टी ने उनको अपनी तरफ कंट्रोल करके रखा हो, जो भी चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो बैलेंसिंग एनर्जीज में है, मतलब वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं आपके पर्सन कि कुछ ऐसे ही तरीके से बैलेंस बनाया जाए जो जिसमें वो आपका साथ पा सके, जिसमें वो आपको साथ दे सके और पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, यानी कि फ्यूचर वो इस टाइम पर आपके साथ देख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए इस टाइम पर ट्रू हो रही हैं आपके पर्सन की। एंड कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ कि जो प्यार उन्होंने आपसे किया था, जो रिलेशन उन्होंने आपसे रखा था, जिस एनर्जीज को वो आपके लिए रखा था, वो एनर्जीज को आप पाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ। फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ रिलेशन देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एंड वो चीज़ें देख रहे हैं जिसमें आप और उनका साथ हो, क्योंकि आपका उनका साथ जो है आपके पर्सन का बीच में से छूट गया, बीच में से डिस्टर्ब हो गया, या फिर आज उन किसी भी के भी पीछे हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, तो वो दूरियाँ मिटाना चाह रहे हैं आपके पर्सन, एंड पूरी तरीके से कम्प्लीट जो रिलेशन होता है वो आपके साथ चाह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, बैलेंस भी बना रहे हैं, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में, बिना बैलेंस बनाए किसी भी चीज़ में जो है काम नहीं होता। कभी कभी समटाइम्स बैलेंसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पता नहीं किस टाइप की एनर्जीज हो, है ना। तो बैलेंस बनाना जो होता है वो हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस के हिसाब के बिना चीज़ें जो है वो अटक जाती हैं। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि देखो इस टाइम पर आपके जो पर्सन की इंटेंशन है, जो फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर मुझे अंदर से उनकी फीलिंग आपके लिए लविंग आ रही है, प्यार है उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन या फिर आप लोगों के बीच में जो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी वजह से थोड़ी दूरियाँ आ गई, लेकिन ये दूरियाँ बहुत जल्दी ही नज़दीकियों में बदलने वाली हैं, यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज मिल रही है। तो कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।